हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज रथ यात्रा है श्री जगन्नाथ भगवान का, तो आपको और आपके पूरे परिवार को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपको कुछ सब्जी बताऊंगी और हमारे गांव की रथ यात्रा भी बताऊंगी आपको। और आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सुबह का काम तो ख़त्म कर लिया है और मैं थोड़ा सा सिलाई कर रही हूँ। और मैंने आज तक आपको सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं जल्दी आपको बताऊँगी सिलाई के बारे में भी। आज बच्चों की छुट्टी है और उन्हें बहुत उत्साह है कि कब रथ यात्रा होगा। और बच्चे को तो होता ही है, हम भी छोटे छोटे थे तो हमें भी बहुत उत्साह रहता था कि रथ होगा, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत मज़े करेंगे बोलकर। तो बच्चे बहुत खुश हैं और सुबह से इधर उधर हो रहे हैं कि रथ होगा ये बोल के। और जगन्नाथ भगवान तो पुरी में बसते हैं स्वयं, तो वहाँ का बहुत अच्छा होता है, आप भी कभी जाकर देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा होता है। और वहाँ स्वयं भगवान का निवास है, तो आप ज़रूर एक बार जाके देखिएगा रथ यात्रा पुरी का। और मैं आज आपको कोयलार साग की बताऊंगी, इसको मैं सूखी बनाऊंगी और मैं इसे अच्छे से धो लूंगी। और किसी भी भाजी जी को मैं अच्छे से दो बार धो ही लेती हूँ, और जो जिसे उबालना होता है उसे उबालते हैं और जिसे नहीं उबालना होता है, मैं बहुत ही साग को नहीं उबालती, हिसाब से देख कर उबालती हूँ। तो मैं इसे उबाल लूँगी, इसे उबाला जाता है। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नए हो तो बेल आइकन बटन सब्सक्राइब करके ज़रूर दबाना, ताकि मैं कुछ भी अगला वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए। बनाना नहीं चाहती थी, छत्तीसगढ़ी में बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे हिंदी कम आती है, इसलिए तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता छत्तीसगढ़ी, इसलिए मैंने ये हिंदी में ही बना लिया। जो कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और उधर मैंने पानी भी चढ़ा लिया है और थोड़ा सा प्याज काट लिया है यहाँ पर देखिए, और थोड़ा जीरा लहसुन और हरी मिर्च काट लिया है, इसमें इतना ही डाला जाता है। और ये सब्ज़ी को दाल में भी बनाया जाता है, तो मैं इसे, मेरा पानी गर्म हो चुका है तो मैं इसे डाल दूँगी और ढक ढक कर दो बार ढक के इसे उबाल लूँगी और ये जल्दी ही उबल जाता है। मैंने दो बार ढका तो ये उबल गया है। और यहाँ मैंने कढ़ाई गरम कर ली और इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, उसके बाद जीरा फूटने पर लहसुन डाल दूँगी। लहसुन डालने के बाद लहसुन थोड़ा सा सुनहरा होने में के बाद मैंने इसमें मिर्च डाल दिया है और इसमें मैं अब सारा प्याज डाल दूँगी और इसे अच्छे से सुनहरा होने तक भूनूंगी। और मुझे भाजी अगर सूखी बनानी हो तो प्याज ज़रूर डालिएगा, जैसे मुनगा की भाजी होती है, सादा भाजी होती है, उसमें प्याज डालने से बहुत स्वादिष्ट होता है, वो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उसका। अब बरसात के मौसम में तो बहुत कुछ भी मिलेगा, तो मैं आपको
हर किसी भाजी का रेसिपी बताऊंगी। गांव में तो हर किसी के घर में भी मिल जाता है ये, और इसे बहुत अलग अलग तरीके से भी पकाते हैं और मैं बताने की कोशिश। इधर मेरा प्याज भी अच्छी सुनहरी भून गई है, अब मैं इसमें सारा भाजी डाल दूंगी और इसे अच्छे से फैला फैला कर हिलाऊंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें अभी तक नमक भी नहीं डाला है, थोड़ा सा हिला हिला कर फैला लूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और नमक डालने से देखिए थोड़ा सा पानी पानी भी हो जाता है, तो जो बचा होता है पकने के लिए वो इसी में पक जाता है। और मैं इसके साथ आलू की फ्राई बनाऊंगी जो मैं शायद नहीं बता पाऊंगी। और आप क्या क्या सब्ज़ी बनाती हैं, क्या क्या खाती हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी मुझे बनाने के लिए पूछ सकते हैं, कुछ किसी के बारे में भी अगर आपको बनाना हो तो वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने हिसाब से। मैं आपका कमेंट का भी इंतज़ार करूंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए यहाँ पर पानी थोड़ा निकलना चालू हो गया है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि जो भी पकना भी बाकी है वो ढक देने से अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ देखिए पूरी तरह से पक चुका है और बहुत ऐसे ही मैं थोड़ी देर इसे हिला हिला कर पका लूँगी। मेरी साग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम अपनी रथ यात्रा की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम जी रथ पर सवार होने के लिए मंदिर से निकल रहे हैं। अब यहाँ तीनों भाई बहन रथ के साथ परिक्रमा करने के बाद रथ पर रथारूढ़ होंगे, उसके बाद गांव में भ्रमण करेंगे और बहुत ही उत्साह के साथ रथ यात्रा मनाया जाता है। हमारे गांव में सभी एक साथ बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। रथ ही नहीं, हमारे गांव में बहुत कुछ होता है जो बहुत अच्छे से मनाते हैं। अब श्री जगन्नाथ जी और सुभद्रा और बलराम जी रथ पर सवार होंगे। रथ पर सवार होने के बाद छोटे छोटे बच्चों को रथ को स्पर्श कराया जाता है। रथ को स्पर्श कराने से बच्चों की सारी दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाती है। रथ को स्पर्श कराने के लिए आसपास के सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर हमारे गांव ही आते हैं। अब यहाँ श्री जगन्नाथ जी रथ पर रथारूढ़ हो गए हैं, उसके बाद सुभद्रा मैया जी, अब श्री बलराम जी रथ पर रथारूढ़ हो गए हैं और आज के दिन तीनों भाई बहन एक साथ अपने मौसी के घर जाते हैं।
8 दिन बाद भगवान अपने मौसी घर से वापस आएंगे। मैं उस दिन का वीडियो भी बताने की कोशिश करूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।